हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। इन द लास्ट क्लास हमने साइक्लिक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छी थ्योरम करेंगे। आइए ज़रा, लेट मी रिकॉल साइक्लिक ग्रुप्स। हाँ जी, अ ग्रुप इज साइक्लिक। देखिए, अपने आप में ये पूरी किताब है, ये एक स्टेटमेंट अपने आप में पूरी किताब है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे को पहले तो ये क्लियर होना चाहिए क्या होता है ब्रैकेट है, और ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एडिशन में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये सब लास्ट क्लास में आपको बताया जा चुका है। इसको कैसे बोला जाएगा? वेल, दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय बी, दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स वाई। अच्छा, इसके साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें एसोसिएटेड है। एक तो ये सब ग्रुप होता है, सच में होता है। दूसरा, ये हमेशा अबेलियन होता है, इवन इफ जी इज नॉन अबेलियन। साइक्लिक चाहे किसी का भी हो, यहाँ आप किसी का भी नाम लिख दीजिए, वो हमेशा सब ग्रुप होगा, ये बात याद रखिए। किसी ए का, बी का, एक्स वाई का, किसी का भी। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, व्हाट डू मीन बाय साइक्लिक ग्रुप? लीव दैट अप पार्ट, ये जरा मेरे साथ आओ पहले। यस, ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम व्हाट एवर यू यू सी। देखिए, जरा रुक जाओ। यस स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली क्लासेस में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैंने ये चीज़ आपको कराई है क्लास में, ऑर्डर ऑफ एन वर्सेस ऑर्डर ऑफ बी। देखो, मना तो करना मत, कराया ना क्लास में, कराया। तो यस सर। साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए देखिए, या साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए इनवर्स देखिए, सेम होगा। कैसे सेम होगा, पहले थोड़ा सा सेंसिबल बात करते हैं। ये एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी। जी, वेन आर टू सेट्स इक्वल, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। पहले शो कीजिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फिर शो कीजिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो उससे हो जाएगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी शो करने के लिए ए के एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए शो करने के लिए बी के एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। हाउ टू शो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसके सारे एलिमेंट्स बी के मेंबर्स होने चाहिए। तो इसके सारे एलिमेंट्स के लिए तो आप कर नहीं सकते, एक एलिमेंट आर्बिट्रेली लेके चलिए, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर आप एक्स बिलोंग्स टू बी दिखा सके तो आपका काम हो जाएगा, बिकॉज एक्स आर्बिट्रेरी था। आर्ग्यूमेंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। देखिए जरा, यस सॉल्यूशन, वो दोनों बराबर हैं, यानी पहला दूसरे में कंटेंट होना चाहिए, दूसरा पहले में कंटेंट होना चाहिए। लेट अस सी कैसे आएगा सॉल्यूशन। लेट एक्स बिलोंग्स टू ब्रैकेट है, जैसे साथ है ये, दैट इज एक्स किसका पावर, ए का पावर। फॉर सम एन बिलोंग्स टू जेड, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? बोलो भाई। भाई आपके सामने ए पावर थ्री, क्या हो गया, सांप सुन गया? ऐसे तो ना करो यार, ऐसे तो, ऐसे जुल्म तो ना करो। हाँ जी, ये दिख रहा है आपको, एवरी पावर ऑफ ए इज दैट नेचुरली सम पावर ऑफ ए इनवर्स। आपको तो पावर में इंटीजर चाहिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव, मैटर नहीं करता। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होल पावर माइनस एन। नाउ द थिंग इज, एन इज एन इंटीजर, सो माइनस एन इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो दिस इज, दिस बिकम्स इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स। सो बेटा जी, ये ब्रैकेट ए इनवर्स में बिलोंग करेगा। सबको क्लियर है लाइन? ये ए इनवर्स का इंटीग्रल पावर है, तो ये जो एलिमेंट है ये ब्रैकेट ए इनवर्स में बिलोंग करेगा। अच्छा, इनिशियली एक्स इसमें था, फाइनली एक्स इसमें है, तो कौन किस में कंटेंट? ब्रैकेट ए इज कंटेन ब्रैकेट ए इनवर्स। इसको वन डाल दीजिए, इसी तरीके से दूसरा आ जाएगा। आप सिमिलरली लिख सकते हैं, नहीं तो करके दिखा देते हैं। भाई आप ठहरे बड़े लोग, आओ। ब्रैकेट ऑफ ए इज कंटेन इन ब्रैकेट ऑफ ए इनवर्स, सॉरी वो तो शो करे भी है, ब्रैकेट ऑफ ए इनवर्स इज कंटेन ब्रैकेट ऑफ। लेट वाई बिलोंग्स टू ब्रैकेट ऑफ ए इनवर्स, व्हाट डू मीन बाय दैट? वाई सम पावर ऑफ ए इनवर्स, तो वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स का पावर क्या लेंगे, के ले लीजिए। हाँ जी महानुभावों, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं?
ऑब्वियसली अब भाई के इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर है, तो ये तो ए का इंटीग्रल पावर बन गया। आप देख लो, दैट इज इनिशियली वाई किस में था, ब्रैकेट ए इनवर्स में, फाइनली वाई किस में, ब्रैकेट ए में, तो कौन किस में कंटेंट। अब भाई ये तो हाँ जी ब्रैकेट ऑफ ए इनवर्स इज कंटेन ब्रैकेट ऑफ ए। इसके बाद क्या करना है, आई होप आप ये नहीं पूछेंगे, ये वन है और ये टू है, फाइनली बाय वन एंड टू व्हाट विल यू गेट, बाय वन एंड टू व्हाट विल यू गेट, ए ब्रैकेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए। कम से कम पूरा तो बोलो यार, कॉपी करो ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी के साथ पूरा पूरा बोलना चाहिए। करिए करिए, प्रूफ्स का मतलब आपको क्रैम नहीं करना है, थोड़ा रट्टे से बचिए, लॉजिक लगाइए, आप अपने आप लिख पाएँ ऐसे बनिए। आप टीचर आपको प्रूफ दे रहे हैं, आप बस याद करके प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स नॉट द वे टू टू गो टू प्रोसीड, वो तो गलत हो जाएगा। आपको बहुत सारी थ्योरम्स करनी है ऐसे ही लॉजिक के साथ हो जाएगा। यहाँ क्या याद किया है, कुछ भी नहीं, क्या याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, लॉजिकली होना चाहिए, लेकिन वो आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। एटलीस्ट क्लास में अगर प्रूफ देख लिया है तो घर पे तो बिना देखे करें लॉजिक के साथ। चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट, यस नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, अब एक बहुत अच्छी बात होने जा रही है, या बहुत अच्छी बात पे हम बात करने जा रहे हैं, भैया जरा यहाँ ऑब्जर्वेशन देखिए, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, प्रूफ तो नहीं दे पाएंगे, बट ऑब्जर्वेशन है। Yes, ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हो गया, वो ऑर्डर ऑफ अ सेट हो गया, दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन दिखना चाहिए, समझना चाहिए। दिस इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ द सेट, ये ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ब्रैकेट है, वो सेट है, ये एलिमेंट है, एंड द थिंग इज ये दोनों बराबर होते हैं, ये समझ लीजिए। सर बराबर कैसे हो गए, सर होते हैं भाई, अब तो दिखाना पड़ेगा आपको, देखो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, हाँ जी ऑल ऑफ यू, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइव, अगर ऑर्डर बट ये ज़रा ध्यान से देखना भाई, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइव है, अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइव है तो ये पक्का रहा ए पावर फाइव आइडेंटिटी है। अच्छा ए पावर फाइव अगर आइडेंटिटी है तो सिक्स पावर क्या होगा भैया, हाँ पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो, खाली सिलेबस ख़त्म करा दो जी मेरा। क्यूब एक और लिख रहे हैं, ठहरिए, इलेवन अगेन है, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन जी, आगे तो समझ ही गए, अब जरा पीछे चलते हैं। जिस तरह आप लोगों ने ए पावर फाइव से सिक्स पावर निकाला, ऐसे ए पावर फाइव से ए पावर फोर अगर निकाला जाए तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स। और ए जीरो तो होता ही है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, और मैं अभी नेगेटिव, यहाँ आपके सामने पॉजिटिव पावर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, आगे जितना चाहिए यही सब आएगा। अब ज़रा पीछे भी जाके देख सकते हैं अगर जा सके तो, भाई ये ए पावर ज़ीरो है तो ए पावर माइनस वन क्या होगा, ए पावर माइनस टू क्या होगा, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, मैं दिखा देता हूँ, ए पावर माइनस वन ए फोर है, अच्छा जी, ए पावर माइनस टू ए थ्री है, ए पावर माइनस थ्री इज ए टू, ए पावर माइनस फोर इज ए एंड दिस इज बी। हाँ जी आप लोग आइए, अब और ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा। ये आपके सामने कंप्लीट चार्ट है,
नाउ कायदे से ब्रैकेट ए का मतलब होता है एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए, और हमारा थॉट प्रोसेस यही बता रहे हैं हमें कि ये इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना भाई। एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ में ए पावर 0, 1, ए पावर 2, ए पावर 3, वो पॉजिटिव हो गया, फिर ए पावर -1, ए पावर -2 एंड सो ऑन। नाउ प्लीज ऑब्जर्व ऑल ऑफ यू, यहाँ सारी पावर्स लिखी हुई हैं, क्या वो सारी पावर्स यही नहीं है? प्लीज जरा ध्यान से देखिए, देखिए 0 से 4 पावर, 0 से 4 पावर, लो भाई इन्होंने तो लपेटे में ले लिया, ये रहा 0 से 4 पावर, फिर 0 से 4 पावर, बताइए क्या पूरी सारी पावर्स इन्हीं 5ों पावर्स में नहीं सिमट करेगी? अरे हाँ तो बोलो यार। Yes. तो ब्रैकेट है, हाँ जी यही यही ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, आप तो हैं ही महान। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 5, देन जरा मुझे कोई बताएगा ब्रैकेट ए कहाँ तक जाएगा? भैया ऑब्जर्व करो, ब्रैकेट ए कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा बस, इसीलिए इसीलिए इसको साइक्लिक बोला जाता है। क्या मतलब है सर? फर्स्ट ए, देन ए, देन ए स्क्वायर, देन ए क्यूब, देन ए फोर। रुक जाइए, ठहर जाइए, फिफ्थ पावर आइडेंटिटी होगा और साइकिल चलाओ साइकिल। ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर 4, ए पावर 5, ए पावर 6, ए 7, ए 8, ए 9, ए 10, 11, 12, उल्टा भी जा सकता है। साइक्लिक हो गया नहीं हो गया? अरे बोलो भैया, अपने नाम के साथ न्याय किया है इसने, सच में, इसलिए साइक्लिक है। अच्छा ये तो चीज़ समझ में आ गई सर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी है, फाइनाइट नहीं है, हाँ फिर तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हो ही जाएगा, कभी भी आइडेंटिटी आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ 0 पावर के लिए आएगा। यस आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि अगला रिव्यू यही इससे रिलेटेड है, नहीं तो फिर घूम जाएगा आपका, ऐसी थ्योरम्स आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को याद है मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में 2 बड़ी अच्छी थ्योरम्स कराई थी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए पावर एन, हाँ याद है कुछ है? 10 दिन के बाद एग्जाम है, ऑर्डर ऑफ ए पावर एन नलायक कहीं के, हाँ पढ़ना वढ़ना है नहीं कुछ का, चलो सिलेबस के नाम पे कर लेते हैं, ये नहीं कराए आप लोगों को, मना कर दो, इतनी नहीं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपको याद नहीं? इसी के साथ इसका भाई भी कराया होगा आपको, कि ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ बी कब होता है? भाई आप ये भूल कैसे गए? हाँ पहला कंडीशन, ऐसा लगता है एग्जाम एग्जाम के पिछले दिन रात को बैठ के याद कर लेंगे, वेरी बैड। अब तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, अरे अगर ये दोनों कंडीशन होंगी देन दिस विल हैपन। ये किया है हमने, ये कुछ याद है, एक क्लास में 2 लंबी चौड़ी अच्छी खासी थ्योरम कराई थी, हाँ जी। Yes. तो बस वैसे ही 2 और थ्योरम्स आने वाली हैं, बहुत खतरनाक। क्या पेज फ्लट रहे हैं, बंद करिए उसको। यस स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थ्योरम, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आने वाली हैं साइक्लिक ग्रुप्स से रिलेटेड, तो ज़रा ध्यान से ये चीज़ समझ लो। हाँ जी यहाँ कुछ है आपके लिए, क्या है आपके लिए? माई डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में साइक्लिक ग्रुप का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया था, क्या बात कर रहे हो सर, 1 घंटा पूरा लगा दिया आपने, इंट्रो की तरह ही समझिए। लास्ट क्लास में जो आपने ब्रैकेट ही पढ़ा है वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से ऐसा लगता है हमेशा इनफाइनाइट होगा, बट ब्रैकेट ए नीड नॉट बी इनफाइनाइट। कहने का मतलब है साइक्लिक ग्रुप्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। सर नहीं साइक्लिक होगा तो इनफाइनाइट ही होगा, नहीं, अब देख सकते हैं अगर इसका ऑर्डर इन्फिनिटी है तो ये इन्फाइनाइट जाएगा, बट अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो इसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। पहली बात समझ में आ गई, साइक्लिक ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं? एग्जैक्टली 2 टाइप्स, पहला फाइनाइट साइक्लिक, दूसरा इन्फाइनाइट साइक्लिक। अब और आगे बात कर रहे हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, जरा दोनों को कंपेयर करके बताओ, क्या बताओगे आप? पहले वाले केस में व्हाट इज ए पावर 5, टेल मी। अरे ए पावर 5 क्या है यहाँ? ए Yes. पावर 10, 15, 20, आप एग्री करते हैं आप लोग? यहाँ Yes. आइडेंटिटी इज कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यस जी। यहाँ आइडेंटिटी इज कमिंग फॉर ओनली 1 पावर, एंड व्हाट इज दैट पावर, कैन यू प्लीज टेल? थैंक यू वेरी मच। इस केस में और इस केस में भैया जरा ध्यान से देखो, मैं अब यही यही बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं होती भाई, समय लगेगा इनमें, लेकिन साथ रहिए। ऑब्जर्वेशन, मिलियन डॉलर ऑब्जर्वेशन,
हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी, ए पावर के इज आइडेंटिटी, कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे बोलेगा। आपको क्या पता है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के होना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए, जल्दी बता दो। अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट होगा तो क्या होगा और जब ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। आइए ऑब्जर्वेशन, ए रेज टू पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज, हाँ जी, दो चीज़ें हैं। पहला वही जो आप कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स के, अभी भी आपके दिमाग में है कि यही होना चाहिए। अरे बेटा जी, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया तो थोड़े ना होगा, अभी मैंने आपको बताया तो क्या बताया सर, ये वाली पिक्चर देख के बताइए, ए का कौन से वाला, सेकंड वाले केस में विच पावर ऑफ ए, टेल मी विच पावर ऑफ ए इज आइडेंटिटी, सेकंड केस में बोलो ना यार, जीरो ना, जीरो। तो ये मैटर कर, ये मैटर करता है कि कंक्लूजन, आप कंक्लूड करने से पहले स्पेसिफाई कर लें कि ऑर्डर ऑफ ए है क्या, फाइनाइट है इनफाइनाइट। तो इसके दो आंसर है, ध्यान से देखिए, पहला इफ, ये बस ऐसे याद कर लेंगे आप, ऐसे तो नहीं होगा भाई हमारे क्लास में आज तक तो हुआ नहीं, हाँ जी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स है, बट द सेम थिंग, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स की, सेम थिंग, आप जल्दी से बता दीजिए, इनफाइनाइट ऑर्डर है ए का तो कौन से पावर के लिए आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी तो कभी आएगा जीरो पावर के लिए, दिस इम्प्लाइज के जीरो। अपनी खूबसूरत नोटबुक में इसको हाईलाइट करके लिख लो जल्दी से। तो ये ऐसे नहीं देखना है कि x का पावर m इज आइडेंटिटी, बस याद कर लिया आपने ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स है, नहीं 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 नहीं, अब ये भी नहीं होगा, क्या होगा सर फिर, तो पहले ये तो बताइए ऑर्डर ऑफ x कैसा है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। हम अगली थ्योरम्स के लिए रिव्यूज दे रहे हैं आपको, ये पहला रिव्यू था, दिस वॉज द फर्स्ट रिव्यू, एंड आपको सबको पता है रिव्यू से ही काम होता है। रिव्यू नंबर टू, आप सबको स्टेटमेंट तो याद है ना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन की, वो तो नहीं बताई जाएगी आपको। नंबर टू, रिव्यू नंबर टू, यस माय डियर, आपके सामने लिखा गया है ए बी इक्वल टू वन, जरा ऐसे नंबर्स बताइए जिनका प्रोडक्ट वन है, टू इन टू वन बाई टू, बिल्कुल ठीक है, आ रहा है, ठहरो भाई, रूट थ्री इंटू वन बाई थ्री, ये भी ठीक है, तो पता नहीं अनकाउंटेबली मैंने पेयर आ जाएंगे, कोई गिनती नहीं, काउंटलेस। अच्छा अगर मैंने ये जोड़ दिया कि ए और बी स्ट्रिक्टली इंटीजर होने चाहिए, अब आप चाह के भी ये तो नहीं लिख सकते, अरे नहीं लिख सकते ना, एक को टू ले लिया दूसरे को वन बाई टू ले लिया, नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे सोचो ना, ऐसे इंटीजर्स बताइए जिनका प्रोडक्ट बनाएगा, सोचो सोचो, इंटीजर लो, वन इंटू वन कितना होता है, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना होता है, बस और कभी वन नहीं होता इंटीजर्स में, देख लीजिए। सो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज वन, देन व्हाट विल हैपन, बारिश आएगी, तूफान आएगा, व्हाट विल हैपन, हाँ सब कुछ दिखाने के बाद भी बस मुंह से कुछ निकलता नहीं है, तुम ऑफलाइन क्लास में आते ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, तो आगे आगे देखो जी, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज वन, दैट मींस इधर बोथ आर वन और बोथ आर माइनस वन। रिव्यू नंबर थ्री, क्या ऐसा होता है, यस ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो आर यू देयर, यस सर, अभी अभी कराया था, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नंबर फोर, इसका क्या मतलब होगा, मुझे आपके श्रीमुख से अच्छी अच्छी बातें सुननी है, जल्दी से सुनाइए, क्या मतलब होगा इसका, डांट सुनोगे अगर आंसर नहीं दोगे, लास्ट क्लास में साइक्लिक ग्रुप में बताया था जनरेटर, हाँ जी, ब्रैकेट x इज द साइक्लिक सबसे पहुंची,
नहीं, ओके यू आर मिसिंग इट बाय सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अरे कोई तो बता दो यार। हाँ इतनी सारी दुनिया की सारी बातें बोल दी तुमने, काम की बात नहीं बोली, लेकिन ये मीनिंग है ना, ये मीनिंग है। वो उसका सब ग्रुप नहीं बराबर होगा। अब मैं आपके सामने, अब लास्ट क्लास में तो बताया था, ये जी है, इफ आई से इसका जनरेटर ए है, इसका जनरेटर बी है, और इसका जनरेटर एक्स है। यानी जी जो है वो ए से जनरेटेड है, जी जो है वो बी से भी जनरेटेड है, और जी एक्स से भी जनरेटेड है। ऐसे ही होगा भाई, खाली ऐसे अब नोट लिख के चले जाएंगे और मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, कुछ कुछ शेयर नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज कमिंग, दो थ्योरम्स कराएंगे आज आपको। यस, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात हो रही है, फाइनाइट साइक्लिक या इनफाइनाइट साइक्लिक? इनफाइनाइट। अब ये आपको एग्जैक्टली दो प्रूव करना है। जरा देखिए, मैं छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे पढ़ने में तो मज़ा आएगा क्या? मान लीजिए एक सेट है आपके पास, मान लीजिए, और आपको शो करना है इसके पास एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स हैं। शो दैट, जरा ध्यान से देखना भाई। This set A has exactly two elements. मान लीजिए ये आपको शो करना है, तो छोटे बच्चों की तरह कैसे करेंगे? सबसे पहले आंखें बंद करो और जादू मंत्र से एलिमेंट्स लेके आओ। यहाँ जादू मंत्र से कुछ नहीं होगा, तो पहले वाले में किसी तरह एग्जिस्टेंस, तो पहले ये शो कीजिए देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई, दो मेंबर सेम है। तो ये दो खाली दिख रहे हैं या सच में दो हैं? अब आपके सामने इट्स लाइक इस सेट में कितने मेंबर्स हैं, जरा अपने श्रीमुख से बताइए, देखिए कि क्या क्या हो सकता है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? अरे बोलो तो सही यार, एट एट एलिमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कितने हैं? टेन अब कितने हैं? सिक्स अरे तो वो आठ दिख रहे हैं, सच में आठ कब होंगे? जब सारे डिस्टिंक्ट होंगे। आया समझ में? कोई भी एक किसी एक पर हाँ, जब सारे डिस्टिंक्ट होंगे, देन ए आई नॉट इक्वल टू ए जे। लॉजिक, मैथमेटिक्स लॉजिक मांगता है, मॉडर्न मैथमेटिक्स। ये रात को ओवर अ नाइट आपने वो नोट्स खोल के पढ़ लिए होंगे, ऐसे नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होती है चीज़ें। तो ये दिस सेट कंटेन्स एट एलिमेंट्स प्रोवाइडेड ऑल आर डिस्टिंक्ट। ये कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? आपको आपको बोलना चाहिए दो दिख रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, ये जो दो दिख रहे हैं वो सच में दो कब होंगे? पहला एग्जिस्टेंस, दूसरा डिस्टिंक्शन। कुछ घुसा बेटा जी दिमाग में? ये स्टेप बता रहा हूँ, ये आपको स्टेप बताए जा रहे हैं। पहले एग्जिस्ट कराइए कि हाँ चलिए किसी तरह दो आपने हुक और क्रूक से प्राप्त कर लिया, उसके बाद सच में ये दिखाइए कि सच में दो हैं। अच्छा, पहले वाले स्टेप में किसी तरह ब्लर सा इमेज आ गया कि हाँ दो हो गए, दूसरे में ये एटलीस्ट टू हो गए, मानते हैं कम से कम दो हो गए। अब अगर आपको ध्यान है तो आपको एग्जैक्टली दो कैसे शो करते हैं बच्चों की तरह? मतलब अरे मतलब ये कि बस एक एलिमेंट जेड ले लीजिए, तीसरा एलिमेंट, और ये शो कर दीजिए या तो जेड एक्स के बराबर है या जेड वाई के बराबर है, कहानी खत्म। तो तीसरे वाले में यस, इफ जेड बिलोंग्स टू ए देन, या तो जेड एक एक्स के बराबर होना चाहिए या फिर जेड वाई के बराबर होना चाहिए। जरा बच्चों की तरह ऑब्जर्व करो, हमने क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। हमें शो करना था ए के पास एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स हैं, पहले दो एलिमेंट्स लेके आए, फिर सच में दिखाया कि हाँ ये सचमुच में दो हैं, लेकिन दो है ना, तीसरा चौथा पांचवा भी हो सकता है, हमें तो एग्जैक्टली दो चाहिए। तो एक तीसरा एलिमेंट ले लीजिए जेड, इफ यू कैन शो जेड इज नथिंग बट एक्स और वाई, यानी वहाँ तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, मान गए? यस सर, यस सर।
स्टेटमेंट पढ़िए पहले एग्जिस्टेंस, पहले स्टेप में दो जनरेटर्स की एग्जिस्टेंस दिखाइए किसी तरह, दूसरे वाले में जो दो जनरेटर्स डिस्टिंक्ट शो करो, तो दूसरे स्टेप करते करते आपको ये पता लग जाएगा हाँ भाई कम से कम दो जनरेटर तो हैं। अब आप हाँ जी एटलीस्ट टू, अब आपको चाहिए एग्जैक्टली टू, तो एक तीसरा जनरेटर एक्स ले लीजिए और शो कीजिए, जो नया जनरेटर एक्स लिया है वो पुराने में से ही कोई है। क्लियर हो गया स्टेप? यस सर, यस सर। अभी लो, अभी कराते हैं आपको स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। प्रूफ देखिए क्या शानदार प्रूफ, कॉपी नहीं करना है, देखना है। लेट जी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए बी एन, भैया यहाँ ये प्रोफेशनल की तरह मत लिखना, पूरा लिखना आई एन एफ आई एन आई टी, है ना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, नहीं तो वो भी प्रोफेशनल की तरह डबल जीरो कर देगा। लेट जी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब मुझे चाहिए इसके दो जनरेटर्स, एग्जैक्टली दो जनरेटर्स, तो जरा स्टेप्स पे गौर फरमाएं आप सभी लोग। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। स्टेप वन एग्जिस्टेंस, देखते रहिए बहुत मजेदार गजब वाला टॉपिक है। हाँ जी नोट, क्या हम ये शो कर चुके हैं? बोलते काहे नहीं, हाँ सो देयर फॉर जी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इक्वल टू ब्रैकेट ए इनवर्स इम्प्लाइज इम्प्लाइज जी हैज टू जनरेटर्स, कौन कौन से हैं? आवाज नहीं निकल रही नलायक कहीं, हो गया पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर टू क्या शो करेंगे? ये एग्जिस्टेंस शो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्शन देख के ऐसा लगता 75% मार्क्स आ गए। रुक जाओ नोट जी, ए जो है वो ए इनवर्स के बराबर बिल्कुल भी क्यों नहीं है, देखो देखो क्यों नहीं, रीजन अगर ए और ए इनवर्स बराबर हो गए तो माय डियर ए पावर टू कितना हो जाएगा? आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ए वन, अरे यार मैं मूड ही खराब कर दे रहा हूँ, कैसे काम करते पता नहीं आप लोग, एनालिसिस भी ऐसे पढ़ते हैं क्या जी? ऊपर आइए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, एम आई राइट? सो दिस इंप्लाइज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर हो गया? ये आर्गुमेंट बता रहा है। हाँ जी, सो नॉट ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, दैट इज लेट मी राइट, हर चीज लॉजिक से चल रही है ठीक है, दैट इज ए एंड ए इनवर्स आर at least two. अपने श्री मुख से बताइए क्या क्या करना है। पहले वाले स्टेप में आपने किया दो एग्जिस्ट करा दिए, दूसरे वाले में ये शो कर दिया कि जो दिख रहे हैं सच में दो हैं, अब तीसरा नहीं होना चाहिए, तो तीसरा नहीं होना चाहिए तो तीसरा लेके इनके बराबर प्रूव कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? स्टेप नंबर थ्री, ध्यान से देखिएगा स्टेप नंबर थ्री। हाँ जी, फॉर दिस एक तीसरा जनरेटर लिया जा रहा है, तीसरा जनरेटर लिया जा रहा है, सो लेट एक्स बी एनी एनी जनरेटर। अब जरा बताइए क्या शो करना है बेटा जी, आगे बढ़ के जवाब दीजिए, ऐसे कुछ नहीं होगा जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना जी, क्या शो करना है? ये लाइन पढ़िए और ये लाइन पढ़िए, मुझे बताइए क्या शो करना है, बैठे हैं बैठ के कॉपी कर रहे हैं। थैंक यू, वी शो या तो एक्स ए के बराबर होगा या फिर एक्स किसके बराबर होगा, देखो क्या मजे से आएगा सब कुछ। लेट एक्स बी एनी जनरेटर ऑफ जी, इसका मतलब मैंने आपको बताया था
थोड़ा डांट भी पड़ी थी लेकिन फायदा होगा आपको। अच्छा रुक जाओ, देखो जी ब्रैकेट ए के बराबर भी है और जी ब्रैकेट एक्स के बराबर भी है। एक बार ए से एक्स में आई है, दूसरी बार एक्स से ए में आई है, ऐसे चलने। तो यहाँ पे भी नोट्स लिखे जा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से, नोट वन नोट टू वॉट एवर। मैं आई होप मेरे पास सफिशियंट स्पेस है, उधर फाइनल कंक्लूजन तो वहाँ लिखा जाएगा। भैया थोड़ा मैनेज करिएगा, छोटे छोटे लिखने की कोशिश करूँगा मैं नोट। आओ एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, पहले तो ए था, ए ले लीजिए, ए बिलोंग कर रहा है जी में, दिस इम्प्लाई ए बिलोंग कर रहा है ब्रैकेट एक्स में, दिस इम्प्लाई ए जो है इसका कोई पावर होगा एक्स पावर पी, वेयर पी बिलोंग्स टू दैट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ बोलिए फटाफट। लगता है क्लास से गायब हो गए लगता है। हाँ जी नोट नंबर टू, दूसरा नोट आप लोगों के लिए। अभी आप ए से एक्स में आए, अब एक्स से ए में आइए। दूसरा नोट, एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग कर रहा है ब्रैकेट ए में, एक्स ए का पावर होगा। हाँ जी ए पावर एम ले लेते हैं, वेयर एम बिलोंग्स टू दैट। बस अब आप लोगों की वॉट लगना, ध्यान से देखो एवरीवन, सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे। हाँ जी मैं इसको और इसको उठा रहा हूँ, आ जाओ यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देयरफोर ए कैन बी रिटन एज एक्स पावर पी, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एफ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ए बार है। तो दिस इम्प्लाइज देखिए ए उसके बराबर है, तो क्या मैं स्टेप स्किप कर दूंगा, बाकी आपको बता देते हैं। आपको ये मिलेगा फाइनली, ए इज इक्वल टू ए पावर एम पी मिलेगा, मिलेगा yes. दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ प्री पोस्ट जो करना है करो। सब बच्चों को स्टेप समझ में आ गया? yes, sir. देखिए तो ए इज इक्वल टू दिस मच, दिस इम्प्लाइज मैंने बोला भी था यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। ए रेस टू पावर एम पी माइनस वन इज आइडेंटिटी, ऊपर चलो यहाँ यहाँ इधर इधर, वो वाला ऊपर जाने का टाइम नहीं आया अभी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस जी, मैं इसके साथ कुछ जोड़, इसके साथ कुछ जोड़ने वाला हूँ, बट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, एम आई राइट? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, या अगर ऑर्डर ऑफ ए ही इनफाइनाइट है, एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो उसका कौन सा पावर में आइडेंटिटी आएगा बताइए, बताइए। अरे बताते काहे नहीं, जीरो जीरो। तो दिस इम्प्लाइज बोलिए बोलिए क्या लिखूं, एम पी माइनस वन इज जीरो। दिस इम्प्लाइज एम पी इज वन, अभी कुछ देर पहले की बात है, एम और पी, एम इंटीजर है पी इंटीजर है, दो इंटीजर्स ऐसे जिनका प्रोडक्ट वन है, फरमाइए। M is equal to P equal to 1 or M equal to P equal to minus 1. Now one last से उठाओ यहाँ से, X किसके बराबर है, A। मैं last line थोड़ा अलग कलर में लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ से इधर से। Therefore X equal to A power M, ये तो था, पर M क्या क्या हो सकता है बेटा जी, या तो ये A power 1 के बराबर होगा या फिर ये पावर माइनस वन के बराबर होगा। इज दैट ओके? यस। अब बताओ ये आया या नहीं आया? मेरा भाई अच्छे से, बहुत लॉजिकल प्रूफ है, प्लीज रट्टा लगा, रट्टा क्या लगाएंगे आप, कर ही नहीं सकते रट्टा लगा के, तो लॉजिक से ही होगा, सही था ना, करो कॉपी। ये टॉप पे आप लिख भी सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये आपको इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में बता रहा है, दिस इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा ऑल ऑफ यू, एग्जिस्टेंस ऑफ जनरेटर्स, क्या बोला मैंने, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ टू जनरेटर्स, एग्जिस्टेंस जो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ टू जनरेटर्स, और यहाँ डिस्टिंक्ट, या ये लिख सकते हैं द जनरेटर्स आर हेडिंग है आपकी, आपको आर्ग्यूमेंट तो समझ में आ ही गया था, पहले स्टेप में क्या हो रहा है दूसरे में क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट की बजाय डिस्टिंक्शन लिख लीजिए, मार्क्स नहीं कटेंगे अगर ऐसे प्रेजेंट करेंगे ढंग से, इसलिए परेशान मत हो। ये बहुत लॉजिकल प्रूफ है आपके सामने, मतलब आपके सामने कुछ भी नहीं देखा गया है, आपको जबरदस्ती वो कहते हैं कान पकड़ के पढ़ाना, वही वाला हाल है अगर पढ़ना चाहो तो।
नहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। नो सर। नो सर। डन। यस ठीक है भाई, नेक्स्ट लिख लेना बाद में, लेकिन इसको कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब अगला इंपॉर्टेंट थ्योरम, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज कमिंग। उसके लिए एक एडिशनल रिव्यू आपके लिए, जो रिव्यूज़ आपने लिखे थे ये सब हैं, ये जो हैं। अब एक पाँचवा रिव्यू, नंबर थ्योरी में दिस स्टैंड्स फॉर एलसीएम एंड दिस स्टैंड्स फॉर एचसीएल, बताया था आपको, बताया है। और को प्राइम भी बताया गया। को प्राइम क्या होता है? जिनका एचसीएफ वन होता है ना, जिनका एचसीएफ वन होता है जिन नंबर्स का, जैसे 2n7, 2n5, 5n3, ओके, n+1। ज़रा ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं को प्राइम क्राइटीरिया या एचसीएफ क्राइटीरिया, नाम ही इस क्राइटेरिया का। वो क्या है? इंटीजर्स में इन जेड अगर दो इंटीजर्स का एचसीएफ वन है तो भाई वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो आपको बिकॉज प्रूफ में प्रेजेंट करना है या बात को पकड़ना है, आप कैसे पकड़ेंगे वो सुनिए। आप पकड़ेंगे ऐसे, अगर दो इंटीजर्स ऐसे हैं कि समथिंग टाइम्स पहला इंटीजर प्लस समथिंग टाइम्स दूसरा इंटीजर, अगर ये एक्सप्रेशन वन के बराबर है तो ये और ये नंबर आपस में कोप्राइम होंगे। इसको कहते हैं एचसीएफ क्राइटेरिया। बोला ऐसे कैसे, अब क्या बताऊँ भाई ऐसा कैसे? हाँ जी, प्रैक्टिकली बताइए। अब एक मिनट, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चा कहता है सर लो, बच्चे तो पता कुछ भी बोल सकते हैं। अगला कहता है सर ये लो, मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो ये करूँगा। देखिए दिस इज नॉट अलाउड, वाई? ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? अरे बोलो ना भैया, इंटीजर्स में ये थोड़ा ना आप कुछ भी चलाते रहेंगे। मेरी मन की मर्जी चल रही है। हम सबको पता है इंटीजर्स में 2 और 3 कोप्राइम होते हैं, बट कैन यू प्लीज टेल मी ऐसे नंबर्स जिनके लिए यहाँ और यहाँ लिखने पे ये 1/4, 1/6। अरे यार, मतलब बिल्कुल, वो कहते हैं ना ये कहना तो नहीं चाहिए, तीर यहाँ से यहाँ पार ही निकलेंगे। अरे इंटीजर बोलो भाई, कोई इंटीजर बोलो।
इंटीजर बोली, बहुत सिंपल चीज है। कर क्या रहे हो? आई डोंट नो। हाँ जी समझ में आ गया। हेलो नहीं, ये आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। क्या विश्वास दिलाने के लिए? कि अगर दो नंबर्स आपस में कोप्राइम है, अगर दो नंबर्स आपस में कोप्राइम है तो आप हमेशा ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समथिंग प्लस समथिंग फाइव, दिस शुड बी यू। यू कैन थिंक, अभी अभी मत सोचो, दिमाग को जोर में डालो, लेकिन अब आपको विश्वास करना चाहिए। वैसे बता दीजिए ना क्या है। ये भगवान अरे हो गया ना, अब तो हाँ बोल दो कम से कम। तो ये लास्ट वाला है आपका HCF क्राइटेरिया। ये इसको इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है आपको। इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम देन दे कैन ऑलवेज बी प्रेजेंटेड दिस वे। एंड याद रहे यहाँ और यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ? इंटीजर। तो ऐड करिए ना, ये जहाँ रिव्यूज लिखे थे वहीं ऐड कर लीजिए HCF क्राइटेरिया, फटाफट कीजिए। अब बहुत मजेदार थ्योरम आएगी। घर जाना है अभी, रुक जाओ, ठहर जाओ। पिछले थ्योरम में टाइम लगा था ना भाई, पसीना बहाना पड़ता है सीखने के लिए और सिखाने के लिए। नेक्स्ट हाँ जी, अब तक आपने जितनी थ्योरम्स पढ़ी हैं एटलीस्ट साइक्लिक ग्रुप में, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट जो भी पढ़े, उन सबके पिताजी या बड़े भाई या दादा जो बोलने बोली है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्या है भैया? ऐसे ही है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, जो पिछला रिजल्ट किया था वो था कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एंड दिस इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, लेट मी राइट द स्टेटमेंट, आप भी लिख लीजिए। If G is equal to bracket A, B a finite cyclic group of order n, then A power m is a generator of G, if and only if GCD of m n is 1. मैं पहले ये result करा देता हूँ, then last theorem और ये theorem फिर आपके साथ discuss करेंगे, क्योंकि ये इसको discuss करना पड़ेगा आपके साथ। आइए, ऐसे ऊपर ऊपर से करने पे तो कुछ फ़ायदा है नहीं। ये क्या लिखा है my dear? If and only if, मतलब फॉरवर्ड पार्ट भी और बैकवर्ड पार्ट भी, दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपकी बार गिवन है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, यानी जितना ऑर्डर जी का उतना ऑर्डर ए का, और वो है कितना? एन। एन आप याद करो, अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है, एन भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, ये बड़ी बात है। और आपको ये मिल गया बाई चांस, तो आप इमीडिएटली क्या कहेंगे, के इज जीरो या ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स के? के समथिंग, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स के। थैंक यू वेरी मच। आइए फॉरवर्ड पार्ट और कन्वर्स पार्ट, पहले इसका फॉरवर्ड पार्ट फिर करेंगे कन्वर्स पार्ट। Let A power n is a generator of G. What do you mean by that? अरे अभी तो समझाया था, G is equal to bracket A, am I right? Yes,
अब जी उसके बराबर भी है, जी इसके बराबर भी है, किसी को किसी में ले लो, ए को इसमें ले लीजिए। देखिए नोट, ए बिलोंग कर रहा है जी में, हाँ जी, दिस इम्प्लाई ए बिलोंग कर रहा है ब्रैकेट ऑफ ए पावर एम में, बिल्कुल, दिस इम्प्लाई ए इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर लैम्डा, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स देयर, दिस इम्प्लाइज ए रेस्ट टू पावर, जैसे पहले किया था, जल्दी से बताइए, ऐसा आएगा ही नहीं आएगा? हाँ, यस यस यस, कहाँ गायब है पता नहीं, अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही, पिछले थ्योरम की तरह ही, लेकिन लास्ट थ्योरम में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, अब तो फाइनाइट है, अब फाइनाइट है, फाइनाइट है, फरमाओ ऑर्डर ऑफ ए, हे भगवान, किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ ए तो एन है, ए जो आराम से मक्खन की तरह काम हो सकता है वो करना नहीं है, तो आपको तो रट्टा ही लगाना है। यस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये भी बताया आपको, ए डिवाइड्स बी का मतलब बी सम मल्टीपल ऑफ ए, एम आई राइट? यस सर, बी, यस सो एन इसको डिवाइड, यस सर, लेट मी राइट, हाँ वो वाली क्वांटिटी हो गया खत्म, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा एम माइनस वन इक्वल टू समथिंग एन, लो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फरमाइए, अरे कहाँ खो गए भैया, खत्म, ये तो एचसीएफ क्राइटेरिया के दर्शन दे रहे हैं, तो ये इट्स लाइक यस पहचानने के ऊपर है, समथिंग टाइम्स एम प्लस समथिंग टाइम्स एन, अगर आपने इंटीजर्स की हेल्प से वन बना लिया फिर तो ये एम और एन आपस में पक्का को पे होंगे 100%, तो दिस इम्प्लाइज एम एन एन आर को पे, ये आपका फॉरवर्ड पार्ट है, आराम से लॉजिकली हो गया, कॉपी करो, नहीं, ऐसे जान नहीं छूटेगी, अरे अभी तो पहला साल है, पहला सेमेस्टर है, चिंता काहे करते हो, आपको मेरे ही दर्शन करने हैं, जिसमें थोड़ी सी भी डायरेक्शन, थोड़ी सी भी एनर्जी सही जगह ले जाने की आपके अंदर नेचुरल वो है, तो उसका पीछा नहीं छूटेगा, चिंता मत करो, बेचारे बात सुन के और निराश हो गए, हो गुड, अब करेंगे इसको कन्वर्स पार्ट, स्टेटमेंट पढ़ के बताइए कन्वर्स पार्ट में क्या लेट करोगे और क्या शो करोगे, से समथिंग फॉर योर इन्वॉल्वमेंट, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, हाँ या डांट सुननी है, कन्वर्स पार्ट में क्या लेट करना है, HCF1 है, HCF1 है तो HCF वाला क्राइटेरिया लगाएंगे, एटलीस्ट उतना तो लिख सकते हैं, या वो भी सरी आगे लिखेंगे, उसके बाद ये चीज़ शो करनी है, बहुत आराम से शो हो जाएगा, देखिए एवरीवन, एक छोटी सी चीज़, जरा सी बात है, इधर आओ जरा, आप सभी लोग ये मानते हैं अगर H सब ग्रुप है और इसके बाद दो मेंबर्स हैं, मान लीजिए P है इसमें और Q है इसमें, तो क्लोजर PQ भी H में होगा, बोलो भैया,
आप लोग बोलते क्यों नहीं है स्टूडेंट? Yes, H सब ग्रुप है तो H H में क्लोजर होगा। अच्छा मान लीजिए इसके पास A है, A है तो A स्क्वायर A क्यूब A फोर H में होना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? Yes. क्या ऐसा होगा अगर A H में है और H सब ग्रुप है? तो दिस इम्प्लाइज है कि सारी पावर्स A पावर जीरो, A पावर वन, A पावर माइनस वन, A पावर टू, A पावर माइनस टू, सारी पावर H में चली जाएंगी। तो ब्रैकेट A H में कंटेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी हाँ में हाँ बोलते जाओ। ठीक है, हो गया। दिस इज नॉट अ रिव्यू, दिस इज शेयर ऑब्जर्वेशन। लिखने की जरूरत नहीं, आइए जरा कन्वर्स पार्ट देखिएगा, बड़ा मजेदार है। एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड, लेट जीसीडी कन्वर्सली सपोज जीसीडी ऑफ एमएन इज 1। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अभी तो बताया था, देयर एग्जिस्ट लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू दैट such that बोलिए lambda m plus mu n। आप देखो जादू, आप ही से बात हो रही है और तो कोई है नहीं है। आर यू रेडी फॉर मैजिक? यस, नॉट। मुझे किसी तरह शो करना है ए पावर एम ना जनरेटर बन जाए। भैया जरा ध्यान से देखिएगा, यानी जी ब्रैकेट ए के बराबर आ जाए। अच्छा, जी इनिशियली किसके बराबर है? जी ब्रैकेट ए के बराबर है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको जी ब्रैकेट ए एम चाहिए, ब्रैकेट ए एम चाहिए। जरा नोट देखिए, ध्यान से देखिएगा। लिख सकते हैं? हाँ बोलिए। yes, और वन को क्या लिख सकते हैं? लो खत्म हो गया। दिस कैन बी रिटन एज ए रेज़ टू पावर लैम्डा एम प्लस म्यू एन। फर्दर देखते जाओ, बस ऊपर चलो, ऊपर। जी जी इज इक्वल टू ब्रैकेट है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, यानी जी का ऑर्डर n है और a का ऑर्डर भी n ही है। अगर a का ऑर्डर n है तो ये तो आइडेंटिटी हो गया माय डियर। तो माय डियर ये बन गया a पावर m पावर लैम्डा e पावर म्यू, ये हो गया आपका। सो दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा, कॉपी नहीं करना है, देखना है, समझना पड़ेगा। कहाँ भागोगे कॉपी करके? घर पे बैठ के करना है कॉपी। ऑल ऑफ यू ये लाइन समझ में आ गई? हां जी सर। ये उधर वाला साइड, राइट हैंड साइड देख के बताइए, ये पावर बना ए पावर एम का। इज दिस एलिमेंट सम पावर ऑफ एम? यस और नो? तो फिर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? Yes. अब थोड़ी देर पहले जो समझाया था, बस आराम से हो जाएगा। अगर ए एच में है और बाई चांस अगर एच जी का सब ग्रुप है, तो एच विल कंटेन एवरी सिंगल इंटीग्रल पावर ऑफ ए, यानी पूरा का पूरा ब्रैकेट ए उठ के कहाँ चला जाएगा? एच में चला जाएगा। तो वही काम यहाँ कर दो ना, ए इसमें है बट ये तो सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप है तो इसकी सारी पावर्स कंटेन करे। बहुत बढ़िया, फटाफट अपने श्री मुख से फरमाइए, ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, अलग पेन से लिख देता है। दैट इज ब्रैकेट है, पूरा का पूरा कंटेंट हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ ए। हेलो, इज इट क्लियर? यस यस सर। बट ये तो जी है। लो भैया, ये तो कमाल ही हो गया, जी कंटेंट है ब्रैकेट ए में। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, तो जी के बाहर तो कुछ जा नहीं सकता, बट ब्रैकेट ऑफ ए एम इज कंटेंट इन जी इज ऑब्वियस। लास्ट दो लाइंस को ऐड करके बताइए क्या मिलेगा? पिक अप ऑल ऑफ यू, अभी भी बैठ के कॉपी करने में लगे भाई, आप लोग ने जवाब दिया करो, दिस इज नॉट गुड। सो दिस इंप्लाइज g इज इक्वल ब्रैकेट a, ऐसे थोड़े ना काम चलेगा तुम्हारा। am इज द, बोलिए जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको प्रूफ क्लियर हो गया, बट लिख लीजिए, उसके बाद बात करें। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग? आर यू अवेक? आर यू कॉन्शियस इनफ टू आंसर? फिर आंसर क्यों नहीं करते आप लोग? एकदम मक्खन की तरह सब कुछ चल रहा है। ये आइडेंटिटी क्यों आया? ऑर्डर ऑफ एज एन, ऑर्डर ऑफ एज वहाँ लिख लेना, उसके बाद जो भी आप लिख सकें, जितना भी आप लिख सकें।
बाकियों को भी आने दो। हाँ जी हो गया होगा तो बता दीजिएगा। ओके अब आप सभी लोग इस पिछला थ्योरम जो लास्ट थ्योरम था वो था कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये क्या चीज़ बताया था आपको? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। भाई अब ज़रा दोनों पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा। यस स्टेटमेंट पढ़िए। अगर आपका ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक है तो उसके दो और सिर्फ दो जनरेटर्स होंगे। कौन कौन से? अगर एक जनरेटर ए है तो दूसरा ए इनवर्स, अगर एक जनरेटर एक्स है तो दूसरा एक्स इनवर्स। मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो यहाँ तो निकालना आसान है, यहाँ सिर्फ एक जनरेटर किसी तरह हासिल कर लो, दूसरा उसका इन्वर्स होगा, चाहे वो एडिटिव हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो। यहाँ तो समझ में आता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर। अब ये देखिए भाई, ये तो रिकॉर्ड तोड़ चीज़ है। स्टेटमेंट पढ़िए। पहले है आपके पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन का, फिर कह रहे हैं ए का कोई दूसरा पावर कब जनरेटर बनेगा, आपको सिर्फ ये ढूंढना है। तो लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू सर्टन थिंग्स। आइए महान आत्माएं सब सामने आ जाइए। मान लीजिए जी ब्रैकेट ए के बराबर है और जो ऑर्डर है वो 10 है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? ऑल ऑफ यू, जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन की जगह कितना है, कितना है? 10 10। जरा इस स्टेटमेंट को उल्टा पढ़िए। उल्टा, अगर एम कॉमा एन 1 है तो ए पावर एम जनरेटर बन जाएगा, एन की जगह 10 लिखिए। समझ में आया महानुभावों क्या कह रहा हूँ? yes. जो जो पावर्स 10 के साथ को प्राइम है बस इधर खड़ा कर दो। आ जाओ 1, 10। हाँ रुको रुको, सारे लिख देते ना, आप लोग मानते कहाँ हैं? मानना तो है नहीं आपको। हाँ भाई पहले वाले में 1 आ रहा है, आ रहा है, दूसरे में नॉट 1 नहीं आ रहा। फरमाइए वो उल्टा लगाइए इधर, ऑल ऑफ यू क्या मिलेगा यहाँ से? अब आवाज निकल रही है, भगवान क्या होगा इन लोगों का। दिस इज ए पावर 1 इज अ जनरेटर, एम आई राइट? यस सर। अगले में बताइए। रुको रुको, यहाँ से क्या पता लगा? साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10 के पास कितने जनरेटर? 4 जनरेटर होंगे। तो यहाँ ये नंबर ऑफ जनरेटर बता रहे हैं, कमाल की बात है। आप काउंट भी प्रैक्टिकली काउंट भी कर सकते हैं, अगर इफ यू विश टू काउंट यू कैन काउंट। किसी के कॉलेज में ऑयलर 5 फंक्शन बताए? ऑयलर 5 फंक्शन। अच्छा आप लोग तो कॉलेज जाते ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। जब जाते थे तब किया था? अब आगे तो क्या ही बोले, कोई बात नहीं। अभी हमने दो थ्योरम्स किए हैं। पहले थ्योरम का नाम है या कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और दूसरा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये रिकॉर्डिंग में तो चला ही गया, आप लोग लिखने के चक्कर में थे, लिखने के चक्कर में मत रहो। चलिए जी, आई थिंक आज की क्लास बहुत अच्छी रही, ये दोनों थ्योरम्स करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू, यू कैन लीव। Finish.